ओम शांति। आज हम 26 अप्रैल की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा ने आज बेहद की पढ़ाई पढ़ाने के लिए, बेहद का बाप भगवान आया है ये हमें स्मृति दिलाई है। जितना ये बेहद की कमाई करते रहेंगे तो हद की कमाई भूलती जाएगी। बाबा ने कहा बेहद की बादशाही के लिए ये बेहद की पढ़ाई, बड़ी पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारी बेहद की उन्नति बाबा करा रहे हैं, और ये बेहद की कमाई अविनाशी होगी। बाबा हमको मनसा वाचा कर्मणा आज पावन बनने के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा ने कहा कि बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। इस आत्मिक स्मृति के ज्ञान के नेत्र से हमें भाई भाई की दृष्टि रखनी है। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बाबा ने कहा इस पढ़ाई की सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आत्मिक दृष्टि रखना, आत्मा समझकर हर एक आत्मा से उसी शुभ भावना से उनके साथ संबंध संपर्क में आना, आत्मिक दृष्टि वृत्ति आत्मिक भावनाएं। बाबा ने कहा बच्चों को ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। बाबा हमें राजाई पद दिला रहा है, तो बच्चों को चेक करना है कि अभी के पुरुषार्थ अनुसार कौन सा पद पाएंगे। बाबा ने कहा सारी राजधानी बन रही है, बल वहाँ दास दासी भी सुखी होंगे, लेकिन बच्चों को तो राजाई पद प्राप्त करना है। बाबा ने आज मीठा उलहना भी दिया है कि बच्चे बाबा को फारकती दे देते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। बाबा ने कहा माया बड़ी दुष्तर है, माया से बहुत सावधान रहना है। माया हमारी बुद्धि को बाबा से अलग कर देती है। बाबा ने कहा कि बच्चों को न बाबा को कभी फारकती देना है न डाइवोर्स देना है। तो बाबा को हमेशा याद करते हुए अपने पुरुषार्थ की लगन में आगे बढ़ना है। बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। बाबा ने आज हमारी बेहद की उन्नति कैसे होगी, बेहद की कमाई हम कैसे करेंगे, ये हमें युक्तियाँ बताई हैं। जितना अच्छी रीति से ये बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। पढ़ाई पढ़ना अर्थात पढ़ाई का मनन चिंतन कर उसको धारण करना। तो जितना बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतना बेहद की उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो उसमें सबसे ऊंच और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं? सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? इस पढ़ाई में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना, अपने आप को भी आत्मा के रूप में देखना, स्मृति रखना, और जो भी आत्मा संपर्क में आए उनको भी उस आत्मिक दृष्टि से देखना, आत्मिक वृत्ति से आत्मिक भावना से संबंध संपर्क में आना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। तो देह के नेत्रों से न देखते हुए ज्ञान का नेत्र जो बाबा ने हमें दिया है उस नेत्र से आत्मा रूपी भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी छी छी संकल्प न हो। यही मेहनत है आत्माओं के संबंध संपर्क में आते उनके देह के नाम रूप में बुद्धि न जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी छी छी संकल्प न हो, यही मेहनत है। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे, देवी देवता बनते हैं। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होगी, दूसरी बेहद की होती है। इतना समय तुम हद में थे, द्वापर से हम हद में थे, अब बेहद में हो। संगम पर बाबा ने हमें बेहद में खड़ा कर दिया है। तुम्हारी पढ़ाई ही है बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। सत्युग में बेहद की बादशाही प्राप्त होती उसके लिए पढ़ाई है, इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं।
कौन पढ़ाते हैं? ये बेहद की पढ़ाई, सबसे ऊंची पढ़ाई कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना है, फिर भी अपनी उन्नति के लिए कुछ करना होता है, तो ये बेहद की पढ़ाई, बेहद की उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते हुए भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं, लौकिक में भी नौकरी करते हुए उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए और पढ़ाई पढ़ते हैं। वहां है हद की उन्नति, यहाँ बेहद के बाप के पास है हमारी बेहद की उन्नति, आत्मा की उन्नति, जो अविनाशी कमाई और अविनाशी उन्नति आत्मा के साथ चलती है। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। शरीर निर्वाह अर्थ हमें कर्म करना है, परिवार को संभालना है, इसलिए बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया कि बैलेंस रखना है, हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो कि हमको बेहद की सच्ची कमाई अभी करनी, सारे कल्प की कमाई अभी जमा करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है, हद की कमाई तो बाबा ने कहा सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। अब जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे, तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगी, हद की कमाई की बातें बुद्धि को खींचेगी नहीं, भूलती जाएगी। सब समझ जाएंगे कि अभी विनाश होना है, अभी जो नजारे हम देख रहे हैं, दुनिया भी मनुष्यात्माएं भी समझती है कि विनाश तो होना ही है। विनाश नजदीक आएगा तो क्या करेंगे मनुष्यात्माएं? भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी कोई होगा, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में कई ऐसे रहते हैं जो शुरू से ही चले आए हैं, वो रह गए हैं। आदि से ही जो आत्माएं आ गई तो बाबा कहते वो हॉस्टल में रह गई, यज्ञ में रह गई, ऐसे ही आ गए, वैरायटी तो आ गए ना, ऐसे नहीं सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए तो बच्चों को भी संभालते थे, आदि की बातें बाबा सुना रहे हैं यज्ञ के आदि के समय की। तो उनमें कितने चले आए, बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, पक्षी कैसे टुकलू टुकलू करते रहते हैं, बाबा हमको बगीचे का नजारा दिखा रहे हैं। अब ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है, हमारे में कोई सभ्यता नहीं है, अभी मनुष्य सृष्टि बगीचा नहीं रही, जंगल हो गई। बाबा कहते हमारे में आत्माओं में कोई भी सभ्यता नहीं रही, सभ्यता वालों की महिमा गाते हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, भल कितने भी बड़े आदमी हो लेकिन फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। फिर किस काम के हुए, तुम भी किस काम के नहीं थे, पहले तो हम भी नहीं जानते थे। तो बाबा कहते जब अज्ञानता थी तब तो कुछ काम के नहीं थे, अभी तुम समझते हो। हम क्या समझते हैं कि बाबा की कमाल है, हर बात में तो बाबा की कमाल है, बाबा हमको बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहा है, बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजाई हमसे कोई छीन ही नहीं सकता है, इस समय स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं, भविष्य के बेहद के विश्व के मालिक बना रहे हैं। बाबा कहते ऐसी राजाई जो कोई छीन नहीं सकता, जरा भी कोई विघ्न डाल न सके, क्या से क्या हम बनते, और इस समय भी स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं, ऐसे हमें अपने जीवन के मालिक बना रहे हैं, क्या से क्या हमें बनाते हैं, हम क्या से क्या बनते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए, इतना ऊंच पद बेहद की बादशाही दिला रहे हैं तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी ग्लानी हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं, ज्ञान के लिए
कई विघ्न होते हैं, पवित्रता के लिए हंगामे होते हैं। बाबा कहते कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को भी बताया है कि यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह फिर से भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, सुख धाम के मालिक बनते हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। बाबा ने कहा है कि ये कल्प कल्प की बाजी है, अपने अंदर जांच करनी है कहां तक हम ऊंच पद पाएंगे, अभी के पुरुषार्थ अनुसार हम कितना ऊंच पद पाएंगे। यह हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंचा जाएंगे। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने, दूसरों को देखकर हम उनसे सीखते हैं कि यह होशियार है तो हम भी ऐसा होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसा होता है कि मैं इनसे ऊपर जाऊं, यानी और होशियार बनूं, तो दूसरों को देखकर हमें उनसे सीखकर उनसे भी आगे बढ़ना है पुरुषार्थ में। अल्पकाल सुख लेने के लिए वो मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ, बेहद का बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो ये निराकारी बाप भी है। साकारी बाप है अलौकिक पिता और निराकारी बाप शिव बाबा पारलौकिक पिता, दोनों इकट्ठे हैं, दोनों मिलकर कहते हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो। बाबा ने हमें सारी पढ़ाई पढ़ा दी है, अब बाबा कहते इसको समझ गए हो, और कोई जानते ही नहीं है। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन, भगवान क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, राजयोग, तो तुम राज ऋषि हो। वह हठ योगी है, वे भी ऋषि परंतु हद के। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, अब ये कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। तो शुरू शुरू में जब भट्टी बनी तब छोड़कर आए, लेकिन उसका कारण क्या था कि विकार के लिए बहुत बंधन कर रहे थे। उनको क्या तंगी हुई, तुमको मार पड़ी तब तुम भागे। एक एक से पूछो, शुरू में हमारी आदि रतन हमारी दादियाँ सबने बहुत बातें देखी है, तो बाबा कहते हैं एक एक का अनुभव पूछो। कुमारियों ने स्त्रियों ने कितनी मार खाई तब चली आई, शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत तो चिट्ठी ले आई, इतनी मेहनत से बहुत बंधन थे फिर भी अपने पिता से या अपने पति से चिट्ठी लेकर आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता रहा है, बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए ये झगड़ा बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रलब्ध लेते हो, बेहद का बाप सबको बेहद की प्रलब्ध देते हैं, हद का बाप हद की प्रलब्ध देते हैं। वह सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है, लौकिक में बच्चे को वर्षा मिलता है, यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास तो फिर भी भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को ही वारिस बनाते हैं, लड़कों को ही वारिस बनाते हैं। स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं हैं, बच्चा ही संभाल लेता है। बाप का बच्चों में लड़कों में कुमारों में बहुत मोह रहता है, तो यह बाप तो कायदे सिर बेहद का बाप शिव बाबा कायदे सिर सभी बच्चों को अर्थात सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे या बच्ची का भेद मालूम ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो बाबा आत्मा को देखते हैं। तुम कितने सुख का रास्ता बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी बाबा ने आज अटेंशन दिलाया है, इतना सुख का रास्ता बाबा से लेते हो फिर भी पूरा पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियाँ लिखती है
बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया था, अब नहीं आता है। बाबा कितना प्यार से जो चले जाते हैं ऐसे बच्चों को भी याद कर रहे हैं। बाबा कहते फिर समाचार आता है कि वह अभी नहीं आता, ब्लड से लिखा था। बाबा आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है यह सब है ड्रामा, कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, ये भी ड्रामा में नोंद है। यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है, ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ेंगे। अब ये पढ़ाई है, गारंटी भी करते हैं बाबा, हमें पढ़ाई के साथ गारंटी करते हैं कि हम साथ में ले जाएंगे। सत्युग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं, सारे विश्व की आत्माएं, सारे मनुष्य आत्माएं इस समय मौजूद हैं। सत्युग में तो बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई वहां नहीं होंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है, ये सब शरीर छोर शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुक तू कर जहाँ से आए हैं पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे। तो सारी बाबा कहते तैयारी हो रही है विनाश की, सभी आत्माएं हिसाब किताब चुक तू कर जहाँ से आए हैं पाठ बजाने वहाँ फिर से चले जाएंगे परम धाम में। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक और ये है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और है भी हम सब एक बाप के बच्चे, तो रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे, वह आवाज होता ही नहीं है। मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते ये तो ब्रह्मांड रहने का स्थान है। बाबा कहते आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो नहीं सकता है। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। सभी आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड वो घर है, आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, वह ब्रह्मांड में उसके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति से समझना है, नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। बाबा रोज हमें मुरली में समझाते हैं, बाबा कहते अभी नहीं समझते तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे, अगर सुनते रहेंगे तो। रोज की मुरली हम सुनते हैं तो आगे चलकर सब बातें समझ जाएंगे, छोड़ देंगे फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया स्थापन होती है। बाबा कहते कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर से तुम विश्व का मालिक बनने आए हो। गीत भी है, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई भी हमसे वो राजाई छीन न सके। आकाश जमीन आदि सब पर हमारा कब्जा, हमारा अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब तो हैं यहाँ मतलब के साथी, वहां ऐसे नहीं होंगे। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं कि धन माल आदि सब कुछ तुमको देकर जाता हूँ, इसको अच्छी तरह से संभालना, बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल आदि सब कुछ दे देते हैं, बाबा हमको विश्व का मालिक बना देते हैं। तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाबा कितना युक्ति से समझाते हैं, इसका नाम ही है हम क्या पढ़ रहे हैं, ये है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरांदेशी बुद्धि हो गए हो, बाबा ने हमें इस ज्ञान से दूरांदेशी बुद्धि बनाया है। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें ऊंच पद क्यों नहीं पाए, हम क्यों कम पद पाए। राजाई स्थापन होनी है उसमें मर्तबे तो होंगे ना, दास दासियां भी ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं, साथ में महलों में रहेंगे,
बच्चों आदि की संभाल करते होंगे। कितने सुखी होंगे दास दासी भी जो महल में रहेंगे। सिर्फ नाम है दास दासी, जो राजा रानी खाते वही दास दासी भी खाते हैं। प्रजा को नहीं मिलता है, दास दासियों का बहुत मान है, परंतु उसमें नंबरवार है। लेकिन तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो, तो हमारा लक्ष्य ऊंच पद, राजाई पद प्राप्त करना है। दास दासियां भी यहाँ राजाओं के पास होते हैं। प्रिंसेस आदि की जब सभा होती है यहाँ कलयुग में, तो बाबा कहते आपस में जब मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा अनुभव से सुनाते हैं, तो फूल श्रृंगार किए हुए होते हैं, ताज आदि सहित होते हैं, तो उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनिक सभा लगती है। उसमें रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे में रहती है। यह सब बातें बाप समझाते हैं, तुमको यह प्राणदाता समझा रहे हैं। तो बाबा को प्राणदाता भी कहते हैं, जीव दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला। वहां मरने की चिंता नहीं होती, सत्युग में मरने की चिंता नहीं होती। यहाँ कितनी चिंता रहती है, थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर ना जाए, डर रहता है। वहां डर की बात ही नहीं है, तुम काल पर जीत प्राप्त करते हो। तो कितना नशा रहना चाहिए, हम बच्चों को बाबा काल पर जीत दिलाते हैं। तो बाबा कहते बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, पढ़ाने वाले को याद करो, तो यह भी याद की यात्रा हुई। बाप टीचर सतगुरु को याद करो, तो यह भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को जितना याद करेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में बाबा हमें अटेंशन दिलाते, बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए। यह तब होगा जब अभ्यास करना है भाई भाई समझने का, आत्मिक स्मृति में रहने का, आत्मिक दृष्टि से संबंध संपर्क में आने का। बहन भाई समझने से फिर छीछी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंखें हैं, इसलिए बाप ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना है, तो अपने को आत्मा समझ, औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना है, भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। भाई भाई भी फेल हो जाते हैं, तो बाबा ने दूसरी युक्ति निकाली है। बाबा ने कौन सी युक्ति निकाली है कि बच्चे अपने को भी आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखो, अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है, सब्जेक्ट्स होती है ना, तो कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, तो यह भी पढ़ाई है। इसमें ये ऊंच सब्जेक्ट है कि तुम्हें किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। ये सबसे ऊंची सब्जेक्ट है कि किसी के भी नाम रूप में तुम फंस नहीं सकते। बाबा ये हमें श्रीमत दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाबा कहते हैं भाई भाई समझो, तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितना ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। बाबा को कितना रहम आता है बच्चों पर कि मेरे अच्छे अच्छे बच्चे माया उनको अपना बना देती है। तब बाप कहते मुझे फारकती भी दे देते, डाइवोर्स भी दे देते। बाबा का कितना मीठा उलहना है कि बच्चे मुझे फारकती भी दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है, और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। तो बाबा के बच्चे के रूप में हम बाबा को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, फारकती देते हैं, और बाबा हमारा पतियों का पति है तो डाइवोर्स भी दे देते हैं। तो बाबा इसलिए हमें प्यार से अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं हम दोनों हमको मिलता है, अच्छी अच्छी बच्चियां भी बाबा को डाइवोर्स देकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है, माया क्या नहीं कर देती है। इसलिए बाबा हमको सावधान कर रहे हैं कि माया से हमें बचना है, माया क्या नहीं कर देती है। बाबा कहते माया बड़ी कड़ी है, क्योंकि माया सूक्ष्म रूप में वार करती है। तो माया बड़ी कड़ी है, गायन है, गज को ग्रह ने खाया, बड़ी गफलत कर बैठते हैं।
श्री बाबा हमें यह सावधान कर रहे हैं। बाप से भी बेअदबी करते हैं, माया कच्चा खा लेती है, बाबा को भूल जाते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, बाप से भी बेअदबी करते हैं, माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को तो एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा आज हमको इस पर अंडरलाइन करा रहे हैं कि माया जीत बनना है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाऊं, मुख्य बात है अलफ को याद करना। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर अलफ को याद करो। ये वेला सोने की नहीं है, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, ये बाबा को याद करने का समय है। ये वेला सोने की नहीं है, इस उपाय से विक्रम विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं है। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, मीठा बाबा हम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। बाबा ने जो वायदा किया है, बाबा हर एक बच्चे की बाबा पालना करता है। बाबा कहते कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं, आई ही है सुधार कर तुमको साथ ले जाने के लिए। याद की यात्रा से तुम सत्प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा, सत्यु के लिए जमा होता जाएगा। बाबा कहते अपना चोपड़ा रखो, कितना याद में रहते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार हो रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए। तो बच्चों को भी अपनी चेकिंग करनी है कि घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए। इसके लिए आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। स्वयं भी आत्मिक स्मृति में रहना है, औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाबा वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे बाप के साथ वफादार रहना है, कभी भी बाबा को फारकती या डाइवोर्स नहीं देना है। बाबा का वरदान है सदा हल्के बन, बाबा के नैनों में समाने वाले, सहज योगी भव। सदा हल्के बन, बाबा के नैनों में समाने वाले, सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है, वो और किसी युग में मिली नहीं सकती है। जो प्राप्तियां बाबा से मिलती है, खुशी की खान मिलती है, वो और किसी युग में मिली नहीं सकती है। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, बाबा से वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती है, इसलिए आपका टाइटल ही है, बाबा ने टाइटल दिया है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं, कहते हैं बच्चे अपना सब बोझ बाबा को देखकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाबा अपने नैनों में आपको बिठाकर साथ ले जाए। बाबा से स्नेह की निशानी क्या है, सदा हल्के बन, बाप की नजरों में समाना। बाबा के साथ स्नेह की हमारी निशानी है सदा हल्के बन, बाबा की नजरों में समा जाना। बाबा का आज का स्लोगन है, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।